130 साल से भारत की रेलें रास्ते नापते चली आ रही हैं। आज रेल द्वारा रोज लगभग 1 करोड़ यात्री सफर करते हैं। अपनी अपनी किस्मत लिए इतने लोग कहीं ना कहीं पहुंचने की तमन्ना रखते हैं। आप पहले मुझे जाने दीजिए प्लीज। अरे ये क्या, अरे आप क्या कर रहे हैं अजीब। सर एक मिनट, सर एक मिनट, मेरे सामान का ख्याल रखो, मैं कुली को लेकर आता हूँ। जरूर। कौन हो तुम? केली वर्मा। कहाँ जा रहे हो? दूसरे डब्बे में शिफ्ट हो रहा हूँ। ये क्या है? I don't know. कहाँ से आ रहे हो? कन्याकुमारी से। कन्याकुमारी? जी। ये चावल तुम वो ट्रेन में लेते जा रहे हो? वो देखिए, वो क्या है कि बोरिया मेरी नहीं है, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, नाटक ग्रुप है हमारा, आप मुझे मत पकड़िए। वो देखिए, वो जा रहा है, प्लीज उसको पकड़िए ना, प्लीज। मुझे गुलाब के फूल चाहिए, अच्छे वाले देख के देना प्लीज। 2 रुपया होना था। तो आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी? मिल गया तुम्हारा सामान? मिल गया। आप लोगों को तो बस सामान की पड़ी है ना, आप लोगों को क्या, केडी के साथ चाहे कुछ भी हो मगर आप लोगों को उसकी क्या पड़ी है? क्या बात, क्या ढूंढ कर आए थे आप? अगर आप हमें ढूंढ कर आते तो हम आपको मिलते नहीं, लेकिन आप लोगों को क्या करना है हमें ढूंढ के? क्या हुआ? आप लोगों को ये नहीं पता? आप लोगों को पता है इस समय कहाँ से आ रहा हूँ, क्या हुआ था मेरे साथ में? अरे क्या हुआ आप लोगों को? आरपीएफ ने पकड़ा है, कभी आपने उनकी मार खाई है आपने उनकी? अगर मैं अपनी होशियारी नहीं दिखाता तो अभी तक मैं जेल के अंदर होता। क्या आपको कुछ नहीं मालूम? कम होना, बात तो सुनो, क्या कह रहे हैं वो प्रॉब्लम? आप मेरी बात तो सुन ही नहीं रहे, बस आपको तो अपनी बात की लगी है। आज तक हमेशा मैं आप लोगों की बात सुनता आया हूँ, मेरी बातों में तो इंटरेस्ट कभी रहा ही नहीं। और अभी उधर मैं उन आरपीएफ वालों की बातें सुनकर आया हूँ। क्या क्या बातें सुनी है मैं ही जानता हूँ, जो कुछ भी सुना है मैंने। अब मैं बोलूँ तो दरअसल प्रॉब्लम ये है, अजय के बम्बई चले जाने से अश्वत्थामा का रोल किसी को करना होगा। अब अचानक मैं स्मगलर का रोल करके आया हूँ, इस समय आपको पता है समय क्या हुआ? आपको बस आपके अश्वत्थामा की लगी हुई, और उसके आगे आप सोच ही नहीं सकते ना मेरे बारे में? आज तक नहीं सोचा तो अभी क्यों सोचेंगे आप? एक मिनट तो मेरी सुनो यार। मैं सुने आप, दरअसल मैं ये सोच रहा था कि अश्वत्थामा का रोल तुम करो। अरे क्या बात कर रहे हो यार, इसने कभी कोई काम इस तरह का किया ही नहीं, कभी इसने रोल किए इस तरह के जो इसको इतनी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी? किसी से तो रोल करवाना ही होगा ना यार। मैं एक्टर भाई, तुमने नाटक 20 दफा कम से कम देखा है, 50 रिहर्सल ली है, तुम कर सकते हो यार। क्या बात करते हो यार राजन, इसको नाटक की एबीसी भी नहीं आती। चुप करो और इनकी बात सुनो, क्या कह रहे हैं? मैं एक्टर नहीं हूँ, मैं कर ही नहीं पाऊंगा। जहाँ तक करवाने की बात है केडी, वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं ये मुझ पर छोड़ दो, मैं अपने आप करवाऊंगा तुमसे वो रोल। व्यास, तुम ऐसा करो कि वो स्क्रिप्ट तुम्हारे पास है ना मेरे वाली, उसमें मैंने मार्क किया हुआ अश्वत्थामा का रोल, वो तुम इनके साथ बैठकर इनको लाइनें तैयार करवा दो।
होश हो तो तैयार करवाएं। ये रूप सुबह शाम तो पिनक में रहते हैं। और क्या, बंद कर दो उसकी शराब। मैं एक मिनट, मैं होके आता हूँ, प्लीज। हाँ बताओ। एक्टिंग के लिए मर जाते हैं लोग, एक्टिंग के लिए मर जाते हैं लोग, थोड़ा सा गला दबाओ तो डर जाते हैं लोग। खत्म हो गया। हाँ जाओ। आप ठीक है ना? यहाँ से बहुत लोग आते जाते रहते हैं, तुम डिस्टर्ब हो जाओ। ये सीट तुम्हारे लिए दी है, मैं यहाँ बैठ जाऊंगा। उठो यार, क्या ये कानों में लगा के सो रहे हो, कुछ सुनता भी नहीं है तुमको। हद है इसकी। रुक, उठ जाओ भाई, उठ जाओ। गेट अप। इशिता उठो बेटा, चलो मुंह धो, ब्रश करो, नाश्ता करो। अरे बहुत टाइम हो गया यार, रिहर्सल भी करनी है। केडी केडी, अरे उठना यार, ब्रेकफास्ट कर ले, रिहर्सल नहीं करनी है क्या? देखो चिंता है रिहर्सल की, सब अपने हाल में मस्त है। परमानंद, परमानंद, चलो उठो बेटा, सुबह हो गई। ये सब लोग एक जगह से दूसरी जगह अपने अलग अलग कामों पे जा रहे हैं। कोई दुनिया छोड़ रहा है मगर हिमालय देखने की अभिलाषा, दूसरी तरफ कोई इस दुनिया में आने के लिए घड़ियां गिन रहा है। ये बूढ़े लोग शायद तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं और नाटक मंडली को सुख दुख से मतलब ही नहीं, गाओ बजाओ मजे उड़ाओ।
मिस्टर अडवाणी। राहुल। राहुल, डैडी का बुरा तो नहीं मान गए? मुझे उनमें नहीं, आप में दिलचस्पी है। आप में? तुम में। युग युग से जिसकी तलाश थी वो आज मुझे मिल गया। समाने से जिस तस्वीर को खोज रहा था वो आज मेरे सामने है। जब गाड़ी रुकेगी तब बाथरूम इस्तेमाल मत करो। बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? निशा। कौन सा महीना चल रहा है? आठवां। और बच्चे हैं? अरबा। तुम्हें कुछ तकलीफ हो रही है क्या? जी घबराता है। क्यों? डर लगता है जब लड़की हुई थे। तो क्या हुआ, इसमें डरने की क्या बात है? लड़का लड़की सब एक ही समान होते हैं। आप नहीं समझेंगे हमारे कार की जो हालत है। घर में कौन कौन है तुम्हारे? सास है, ससुर थे। ओ, तुम्हारी सास कैसी है? एक मिनट, पहले मुझे इसे कहानी बताने दो। महाभारत तो सबको पता है ना, पर भास ने अपने उर्भंगम में जो दृश्य दिखाया है उससे दुर्योधन का दूसरा रूप देखने को मिलता है। अब ये बात उस वक्त की है जब 17 दिन की लड़ाई के बाद कृष्ण, भीम, युधिष्ठिर और व्यास दुर्योधन के पास जाते हैं और उसे दोबारा गदा युद्ध करने के लिए उकसाते हैं। हाँ, युद्ध होता है और इस बीच में कृष्ण के कहने पर छल और कपट से भी दुर्योधन की जंगा पर प्रहार करते हैं और दुर्योधन गिर जाता है। ये बात जब बलदेव को पता चलती है, बलराम को इसे मेरा करके हाँ। बताओ अश्वत्थामा क्या बताओ? अरे, अरे बलराम को पता चलता है तो बलराम क्रोधित होते हैं और अश्वत्थामा जो कि द्रोणाचार्य के पुत्र हैं और अपने पिता का तर्पण कर रहे हैं वो इस बात पर क्रोधित होते हैं। वो कहते हैं कि मेरी गैर मौजूदगी में, मेरी अनुपस्थिति में ऐसा बड़ा विश्वासघात तो लड़ना चाहते हैं। So, you have to keep this in mind. एक बात मैं आपको बता दूं, प्लीज सुनिए आप मेरी बात। तुम हमेशा भी क्यों बीच में बोलते हो? मेरी बात सुनो आप, मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ। राजन भाई, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि इस आदमी को महाभारत बताने की जरूरत नहीं है यार। आप इसे अश्वत्थामा का कैरेक्टर बताइए, उसकी लाइन बताइए। बताना पड़ता है। दुर्योधन, दुर्योधन के संग धनुष पर, दुर्योधन, दुर्योधन सुनो, कॉन्सेंट्रेट। दुर्योधन के संग धनुष पर बाण चढ़ाकर, बाण चढ़ाकर युद्ध यज्ञ में जो आया मैं पांव यू डोंट गेट एक्साइटेड युद्ध में क्यों आया मैं पांव चढ़ाकर देख लो ना, लाइनें देख लो प्लीज। दुर्योधन के संग, के दुर्योधन धनुष पर पांव चढ़ाकर, पांव बढ़ाकर, पढ़ो नहीं उस कैरेक्टर में, पांव बढ़ाकर कॉन्सेंट्रेट करो। दुर्योधन के संग धनुष पर बाण चढ़ाकर युद्ध यज्ञ में जो आया मैं पांव बढ़ाकर, यूं ही मैं फिर आता हूँ इस सूने रण में, मानो अश्वमेध की पूरा बोलो। मुझे बहुत जोरों की लगी है। राजन भाई, राजन भाई, आप मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, मुझसे ये नहीं होगा प्लीज। अगर आप केडी पर इस तक रहेंगे, अगर आप यही चाहते हैं कि यही आदमी यही रोल करे, अश्वत्थामा का रोल करे, इतना बड़ा रोल करे, तो प्लीज आप मेरा रोल भी किसी और से करवा लीजिए या ये प्ले ही कैंसिल कर दीजिए। आई एम नॉट इंटरेस्टेड प्लीज, थैंक यू। मैं एक
बात सोचा है रवि। यार गुप्ता जी आप सीधी सीधी बात करिए ना, क्या कहना चाह रहे हैं? रवि वी हैव गॉट टू डू दिस शो और इसीलिए। हाँ तो मैं क्या करूँ आप बताइए, अपनी नाक काट करके इलाजी के सामने डाल दूँ क्या? तुम तो उसे जानते हो, उसका मन इतना महत्व। जी मैं मन की बात नहीं कर रहा, मुझे आप एक बात बताइए, डायरेक्टर आप हैं या वो? मैं इसीलिए। अच्छा जस्ट टेल मी वन थिंग, हमें से किसी ना किसी को तो ये रोल करना ही होगा ना? क्या मतलब? इसका मतलब आप केडी को मेरे सामने खड़ा कर देंगे, वो भी ऐसी स्थिति में जबकि शो से कुछ ही घंटे पहले? कैसी बात कर रहे हो रवि, इतने सिंसियर और सीरियस एक्टर होकर तुम ऐसी बात करते हो? तुम मेरी कास्टिंग को चैलेंज कर रहे हो रवि? मैं आपकी किसी बात को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, पर इससे मेरी परफॉर्मेंस पर फर्क पड़ता है, और इतना ही नहीं नाटक का टोटल इम्पैक्ट। प्लीज नाटक की चिंता मुझे कर लेते यार, प्लीज कम।